स्लाइड इन द टब और वो स्लाइड यानी
पानी का टब तो पूरा भरा हुआ था, वो पानी का टब पूरा भरा हुआ था और जैसे ही आगे मैं इसमें बाहर टब में गया, स्लाइड धीरे से अंदर गया तो बहुत सारा पानी बाहर नीचे आ गया। ही नोटिस दिस, और उसने ये नोटिस किया। सडनली देयर वाज अ फ्लैश इन हिज माइंड, और अचानक से उसके दिमाग में बात आई। उसने सोचा, ही जंप्ड आउट ऑफ द टब और वो तुरंत पानी से बाहर निकला शॉउटिंग यूरेका यूरेका यूरेका। इन ए ग्रीक मीन, ग्रीक में इसका मीनिंग होता है आई हैव फाउंड इट, यानी मैंने ढूंढ लिया, यानी मुझे हल मिल गया। दस इट वॉज फाउंड दैट डिफरेंट मेटल्स ऑफ सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम। तो इससे ये पता चला कि हर मेटल जो होते हैं उसका जो वेट होता है वॉल्यूम वो डिफरेंट होता है। तो उससे कैसे क्या पता है? ऑब्जेक्ट पुट इन ए वॉटर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी वस्तु को पानी में डालोगे विल डिस्प्लेस वॉटर। जैसे अगर मैंने एक ग्लास भर के पानी लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने एक ग्लास, प्लीज लिसन टू मी हियर, अगर ये मेरा ग्लास है, ओके ओके, ये मेरा ग्लास है और इसमें वॉटर फुल है, फुल वॉटर है, ओके, पानी फुल है, ये ग्रीन है जो इसके ऊपर पूरा पानी बहता है। लेकिन जब मैं इसमें बड़ा सा पत्थर डालूंगी, पत्थर जब यहाँ नीचे आएगा तो पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि ग्लास में वाटर फुल भरा हुआ है। पर जैसे मैंने इसमें बड़ा सा पत्थर डाला तो पत्थर जब नीचे जाके बैठेगा तो बहुत सारा पानी यहाँ पे गिर जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं इसके अंदर तो ये पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन इसका जो प्रपोर्शन है, जो पत्थर की जो क्वांटिटी है, वेट कितना होता है, उसके वजन के हिसाब से उतना पानी बाहर आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि राजा ने कितना बोल दिया, कितना यूटिलाइज हुआ और किस तरह से। तो आर्किटेक्ट ने सही कहना था कि ऑब्जेक्ट फुल इन वॉटर, तो पानी में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, पानी में जब कोई आप ऑब्जेक्ट डालते हो तो वो डिस्प्लेस करता बोला। जैसे मैंने आपको विड्रॉ करके बताया कि एक ग्लास में पानी भर लेते हैं, उसमें एक बड़ा सा पत्थर डालते तो वो उतना पानी गिर जाता है और पत्थर जितना अंदर उठ सके वो चला जाएगा नीचे, पर उतनी क्वांटिटी का वाटर जो है ना, पत्थर का जो वजन, उतना पानी बाहर निकलेगा। इससे उसे पता चल गया कि गोल्ड कितना यूज हुआ है कितना नहीं, और द लिक्विड वाटर लेवल इक्वल टू वॉल्यूम, और जितने पानी जो बाहर निकला है वो इक्वालिटी बता देगा कि कितना कहाँ यूज हुआ है, कैसे क्या है, तो उसको सारी बात का पता चल गया। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको ये, मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स लिखे हैं और की वर्ड्स लिखे हैं, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ओके। एस सी आई एन टी एन एस टी, साइंटिस्ट। जी ओ एन ए गोल्डन, गोल्डन यानी सोने का। सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, क्राउन यानी जो माथे पर मुकुट पहनते हैं ना, क्राउन वो होता है। और वेट, डब्ल्यू एच एस टी वेट यानी वजन। गोल्ड स्मिथ, जी ओ एन डी एस एम आई टी एच, गोल्ड स्मिथ यानी जो सोने की चीजें बनाते हैं उसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। क्वांटिटी, क्यू एन डी आई टी, क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा में लेना है। फॉर एग्जाम्पल मम्मा केक बना रही है तो कितनी क्वांटिटी में वो बटर ले रही है, शुगर ले रही है, मिल्क ले रही है, फ्लावर ले रही है, वो सारी क्वांटिटी का पूरा प्रोपोर्शन लेके बनाती है। स्टोलन, एस यूएल, स्टोलन यानी चोरी हो जाना। इक्वल, इक्वल इक्वल यानी बराबर मात्रा में। जैसे अगर आपको जूस बनाना है तो आप उसमें पानी जो होता है वो ज़्यादा लेंगे, लेकिन शुगर जो होगा वो आप टू स्पून लोगे, और सॉल्ट होगा तो उसको आप हाफ, एकदम पिंच, एक चुटकी भर लोगे। तो इक्वल इसमें कुछ भी नहीं, यानी एक बराबर नहीं है, ओके, आपने सब कुछ सेम नहीं लिया, इट्स डिफरेंट। पर इक्वल का मतलब ये होता है एक समान, बिल्कुल एक तरह। जैसे आपने दो ग्लास लिया, कोई गेस्ट आया और उसने आपको उसको पानी पिलाना है तो आपने दोनों ग्लास में इक्वल पोर्शन वाटर लिया, यानी दोनों में पानी भर के लिया, हल्का सा ऊपर ग्रीन से थोड़ा सा कम लिया, तो आप ऐसे देखें कि हाँ दोनों ग्लास में वाटर मैंने इक्वल लिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, अमाउंट ऑफ स्पेस है समथिंग कंटेन फिल, अमाउंट ऑफ स्पेस यानी किसी भी चीज़ की जो स्पेस है वो कंटेन करती है कि फिल करती है। वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी किसी भी चीज़ की जो मात्रा है वो स्पेस को भरती है, उसे कहते हैं अमाउंट, सॉरी वॉल्यूम। और फ्लो, जैसे अगर मम्मी गर्म दूध रखती है गैस पे और शी जस्ट गो समवेयर आउट टू जस्ट हैव सम वर्क और समथिंग कॉल्स ऑफ एनीवन कॉल्स ऑफ फूड, और इतने में दूध ओवरफ्लो हो जाता है, तो फ्लो यानी बह जाना, ओके। मैं फिर से वर्ड चेंज करती हूँ, सुन लेना, ओके। प्लीज लिसन मी, साइंटिस्ट, गोल्डन, क्राउन, वेट, गोल्डस्मिथ, क्वांटिटी, स्टोलन, इक्वल, वॉल्यूम, फ्लो, ओके। अब यहाँ पर मैंने कुछ ये लिखे हैं कि
वर्ड्स मैं इसकी नहीं समझा रही हूँ. सस्पेक्टेड टू बिलीव दैट समथिंग विल हैपन और टू सस्पेक्टेड यानी आपको मन में एक शंका होती है कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो रहा है, हो सकता है सच हो, तो आपके मन में शंका आना कि आप विश्वास करते कि नहीं उसने ऐसा किया होगा, ऐसा करता, आपके मन में ख्याल होता है. ड्रीम द टॉप एज ऑफ द कप, मैंने आपको जैसे बताया कि कप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कप है, ओके दिस इज योर कप, ओके दिस इज योर कप, ओके एंड दिस इज एन एनिमल. एंड तो इसकी जो ये साइड का जो आपका लेयर होता है ना, ये साइड का पॉइंट जिसे हम कहते हैं ब्रेन, ओके. तो ब्रेन का मतलब क्या होता है, द टॉप एज ऑफ ए कप, कप के ऊपर का जो टॉप एज होता है इसे हम बोलते हैं, ये जो एज है ना इसे हम बोलेंगे ब्रेन, ओके. अब है वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स ऑफ इट. वॉल्यूम का मतलब ये होता है अमाउंट, अमाउंट यानी किसी भी चीज की मात्रा, और उस स्पेस उसको हम भर देते हैं, जगह पानी में बना लेगा, पर पत्थर को अपनी जगह अंदर डालने के लिए, बनाने के लिए पानी के अंदर उतना पानी बाहर निकल आएगा, क्योंकि ग्लास इज फुल ऑफ वाटर. तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. सो रीड दिस हार्ड वर्क, आपको नोट है, आपको इस बैलेंस पढ़ना है और ये नेम्स को अच्छे से रीड करना है. टिल दैट वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट.